हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताते हैं कि आप फोन पे पे मर्चेंट अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए आप सबसे पहले आप फोन पे बिजनेस ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप प्ले स्टोर पे जाकर फोन पे बिजनेस ऐप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कीजिएगा तो एक देखिएगा, एक साइन इन, एक साइन अप है। तो साइन इन आप करने के लिए इंटर योर मोबाइल नंबर, मतलब जिनका मर्चेंट अकाउंट बना हुआ वही साइन इन कर सकते हैं। तो साइन अप हमको करना है, तो साइन अप करना है, आप मर्चेंट अकाउंट बनाना है तो हमको साइन अप करना है। तो साइन अप करने के लिए आप अपना फुल नेम और इंटर योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे अपना नाम डालिए। देखिए हम अपना नाम डाल रहे हैं, अपना नाम डाल दिए और इसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए जो आपका बैंक अकाउंट में ऐड हो और उस पर OTP आता हो। तो अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे देखिए गेट ओ टी पी क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है OTP। वेरीफाई मेरे देखिए मोबाइल पे OTP वेरीफाई हो गया। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज आया है, कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लोकेशन अपना ऐड करना है। तो लोकेशन GPS ऑन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग नेम, इसे बिल्डिंग नेम में अपना नाम भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी डाल सकते हैं हम। डालने के बाद आप यहाँ पे हो गया, आप यहाँ पे सेव कर दें। सेव करने के बाद आप बिजनेस नेम, मतलब आप कोई चीज़ खोल रहे हैं, स्टोर खोल रहे हैं कुछ भी इसका, तो उसमें अपना बिजनेस नेम डालें। तो बिजनेस नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना दुकान के नाम, कुछ भी जो चीज़ आप जिस चीज़ के लिए खोल रहे हैं उस चीज़ का आप कुछ भी अपना नाम डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, गिरीश कुमार। और इसमें सेलेक्ट कैटेगरी करना है, आप अपना सेलेक्ट कैटेगरी कीजिएगा, सेलेक्ट या सुपर कैटेगरी। सुपर कैटेगरी में सेलेक्ट किया रिटेल एंड शॉपिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं, ये हो गया। और आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स, बुक्स एंड जनरल, ये आप में ही कर लिया। फिर एक और कर लेना है, गिफ्ट शॉप या स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाइज या बुक शॉप, आप कुछ भी सब कर सकते हैं। तो चलिए बुक शॉप कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कंटिन्यू। फिर यहाँ पे देखिए सारा कुछ हो गया और सेव एंड कंटिन्यू करना है यहाँ पे। चलिए सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। सेलेक्ट योर बैंक, आप अपना बैंक अकाउंट इसमें लिंक करना होगा। तो आप इसमें पेटीएम, हम अपना पेटीएम बैंक ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए पी से कहाँ गया, नीचे जाना होगा। देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, इसे हमने ऐड कर लिया। इसे ऐड करने के बाद इसे आपको मोबाइल नंबर को SMS के थ्रू आपको वेरीफाई कराएगा कि आपका इस नंबर से बैंक अकाउंट बना हुआ है कि या नहीं। तो इसे चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए इस नंबर पे एक मैसेज भेजना होगा, तो इसे लिंक करने के लिए पेटीएम से देखिए मैं भेज देता हूँ SIM1 से, मैंने सेंड कर दिए हैं और मैसेज चले गए हैं। मैसेज जाने के बाद देखिए मेरा वेरीफाई हो गया, वेरीफाई कर लिया गया है, पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट आ गया है। अब इसे आप कंटिन्यू सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये आप कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, आप देखिए फोन पे से मैसेज भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन योर फोन पे मर्चेंट अकाउंट बन चुका है। तो चलिए देखिए वेलकम टू फोन पे बिजनेस आ गया, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जाना है आपको, डैशबोर्ड में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे खाता है, सो QR, आप QR अपना प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे QR है, ये आपका QR कोड है, इसे QR कोड को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे इसी तरह से आप अपना मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। और नीचे देखिएगा यहाँ पे हिस्ट्री, हर चीज़ का आपको हिस्ट्री दिखाएगा, ट्रांजेक्शन कब किए हैं कब नहीं किए हैं। तभी मेरा अभी तो न्यू बना है तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर होम पे आ जाइए और अपना इसी तरह से आप अपना मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।